तख्त श्री दमदमा साहब के भाई डल सिंह दीवान हॉल च एस जी पी सी वालों 50 बैडा का करोना केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। इस करोना केयर सेंटर के अंदर ऑक्सीजन का लंगर विशेष तौर पर लगाया जाएगा। करोना केयर सेंटर तैयार करने लिए काम जंगी पद्धर से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिचरवार तक इस सेंटर मरीजों के लिए खोल दिता जाएगा। करोना महामारी का कहर जारी है। गल पंजाब की करिए पंजाब अंदर लगातार करोना के मरीज बढ़ रहे हैं। करोना जरा लोगों लिए घातक भी हो रहा है। बहुत सारिया मौत हो रही ने, लोगों हस्पतालों बैड नहीं मिल रहे, इलाज तक नहीं मिल रहा। जिसलिए हुण श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे आई है, जो लोगों वेंटीलेटर नहीं मिल रहे ज जो लोगों ऑक्सीजन नहीं मिल रही उन्होंने प्रबंध किए गए हैं। असं मौजूद हाँ सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहब विखे, जिते श्रोम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खास प्रबंध किए जा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखा दिए कि इतने प्रबंध ने यह शुरू कर दिए गए हैं। एक दो दिन तक पूरे प्रबंध जो मुकम्मल कर दिए जाएंगे। इतने ऑक्सीजन का जोड़े करोना मरीज होंगे उन्होंने ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा। इस डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर जोड़े उन्होंने समय समय से चैकअप करेंगे, इलाज करेंगे। तुम देख सकते हो कि बैड ने जोड़े लगा दिए गए हैं। ये सारा एरिया जोड़ा ये भाई डल सिंह दीवान हाल है, ये करीब 50 बैडा एक तरह का आर जी हस्पताल तैयार किया गया, जिथे करोना के मरीजों ऑक्सीजन देने का काम किया जाएगा। दवाइया भी दिखाई जाएगी। इस जे मरीजों के नाल प्रबंधक होंगे, परिवारक मैंबर होंगे, वो उन्होंने भी रहन का खाण पीन का लंगर का प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया जा रहा है। साढ़े नाल तख्त श्री दमदमा साहब के मैनेजर मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं। मनेजर साहब, किस तरह की हदायत है? सब तो पहला तो दसो ये किस तरह के इतने प्रबंध जो तुम कर रहे हैं? पहला तो सारयां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सत्कारयोग बीबी जगीर कौर जी सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों उन्होंने होए दिशा निर्देशों अनुसार जिहड़ा है ये कौम की सेवा करने वास्ते ये उपराला किया गया है। ता कि जिहड़े कोई किसी नूं कोई कितें बैड नहीं मिलता ज ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आती है तो ऑक्सीजन का लंगर चला के ये जी सेवा की जाएगी। किस तरह के प्रबंध तुम कर रहे हैं? कई दिनों तो सूँ पता लग तुम लगे हुए हो, लगातार टेंट भी ला रहे हैं जोड़े इतने उन्होंने परिवारक मैंबर आने उन्होंने रहन का ही प्रबंध किया जाऊगा कि किस तरह के प्रबंध सारे इतने किए जा रहे हैं? सर मरीजों वास्ते तो इतने बैडा का सारा प्रबंध कर लिया गया, तो जो उन्होंने परिवार आने उन्होंने सरां के जोड़ा है वह रैश दी जाएगी। लंगर पानी भी दिता जाएगा ता कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना परेशानी ना आए। तो डॉक्टर का भी नाल प्रबंध होगा देखने उन्होंने मरीजों का उस तरह किस तरह का प्रबंध होगा? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरु रामदास मैडिकल कॉलेज वाले तो जिहड़ा टीम आएगी, ये सारा देख रेख मैडिकल टीम जी डॉक्टर की वो ही वेखे। बिल्कुल, इन्हें दसिया कि सारे जोड़े मरीजों लिए खास प्रबंध किए गए हैं। लंगर के रिहायश के जो मरीज होंगे वो इतने पाए जाएंगे, उत्थे ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाऊगा उन्होंने दवाइया भी दिखाई जाएगी, पर नाल डॉक्टर की टीम होगी जी उन्होंने चैकअप भी करेगी, दवाइया भी देगी, पर जोड़े नाल उन्होंने परिवारक मैंबर होंगे उन्होंने रिहायश का प्रबंध भी वक् वक् सरावान च रिहायश का लंगर का प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया गया है। तो जताई जा रही है कि यह जिहड़ा पूरा हस्पताल है जो तैयार किया जा रहा है, ऑक्सीजन का जो लंगर लगाया जा रहा है वह करीब 24 घंटे तैयार होकर मुकम्मल हो जाएगा, तो जल्दी इतने जो मरीजों ऑक्सीजन की सहूलत जारी दी जाएगी। मनीष गर्ग, PTC न्यूज़, दमदमा साहिब, तलवंडी साबो।